बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। पहले हमने पढ़ा माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एयर के बारे में, हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं उनके ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं द माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ एयर इज ट्रांजिएंट एंड वेरिएबल। कहते हैं जो माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ एयर होते हैं, जो एयर में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ट्रांजिएंट होते हैं, मतलब चेंजेबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है। एक तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, दूसरा वो ट्रांजिएंट होते हैं। ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है कि वो ब्रीफ होते हैं, चेंजेबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल मतलब उनकी अमाउंट भी कम ज्यादा होती रहती है, और उसके अलावा वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट, एयर इज नॉट अ मीडियम इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। कहते हैं एयर वो वाला मीडियम नहीं है कि जिसमें वो ग्रो करते हैं। जस्ट एयर एक मीडियम, एक हमारे पास ट्रांसपोर्टर होता है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। सो इस लिहाज से कहते हैं कि एयर जो होती है, हवा जो होती है, वो मीडियम वो वाली नहीं है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या ग्रो करते हैं। बट अ कैरियर ऑफ पर्टिकुलर मैटर डस्ट एंड ड्रॉपलेट्स विच मे बी लेडन विद माइक्रोब्स। कहते हैं लेकिन ये कैरियर होता है मतलब लेके चल रहा होता है पर्टिकुलेट मैटर, कोई एक महसूस सा मैटर होता है या फिर डस्ट होते हैं या ड्रॉपलेट पानी का कतरा, विच मे बी लेडन विद माइक्रोब्स, जिसके अंदर मे बी माइक्रोब पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो उनके लिए कैरियर हो सकते हैं, उनके लिए ग्रोइंग मीडियम है नहीं हो सकता। ट्रांसमिशन ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहते हैं जो एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या एक जगह से दूसरी जगह तक वो कैसे मूव करते हैं। कहते हैं ऑर्गेनिजम्स आर स्प्रेड बाय कफिंग एंड स्नीजिंग फ्रॉम द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स आर सर्कुलेटेड बाय एयर करंट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कहते हैं जब कोई बंदा छींकता है या खांसी करता है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी के थ्रू बाहर आते हैं रेस्पिरेशन, सांस लेने के अमल के दौरान, तो कहते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल उसमें शामिल या डस्ट पार्टिकल के साथ वो लग जाते हैं। इस लिहाज से वो एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट अर्थ सर्फेस के ऊपर, जमीन के सतह के ऊपर सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो फ्लू होता है, इसके जर्म जो होते हैं वो बहुत तेजी से फैलते हैं, ठीक है। उस क्यों बहुत तेजी से फैलते हैं, क्यों, क्योंकि जब पेशेंट फ्लू का पेशेंट, ठीक है, जब वो स्नीजिंग करता है, छींकता है, तो उसके जो जर्म होते हैं वो हवा में आते हैं, हवा में वो बहुत जल्द मूव स्क्रोलिंग करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, एक बंदे से दूसरे बंदे तक उनकी रसाई होती है, एक्सेस होती है। एयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी कैरीड ऑन डस्ट पार्टिकल इन लार्ज नंबर। कहते हैं जो हमारे पास एयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, मे बी कैरीड, मे बी शायद वो कैरीड हो सकते हैं ऑन डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल पे इन लार्ज अमाउंट, लार्ज नंबर में, ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन सस्पेंडेड ओनली ब्रीफली एंड इन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई विच रिजल्ट्स व्हेन स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट। कहते हैं अगर तो ड्रॉपलेट की फॉर्म में आ रहा है, मतलब के पानी के तरह की फॉर्म में आ रहा है, तो वो क्या होगा, उसमें स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, उसके जर्म जो है वो गिर जाता है, ठीक है। तो उस ड्रॉपलेट में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो वो हवा में चला जाता है, हवा में, फिर वो उस हवा में जो जितने अंदर सांस ले रहे हैं वो किसी में भी जाके ये इन्फेक्शन का कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस्ड इन टू द एयर मे बी ट्रांसपोर्टेड अ फ्यू फीट। कहते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इंट्रोड्यूस्ड इन द एयर, कहते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जो हवा के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, मे बी ट्रांसपोर्टेड अ फ्यू फीट, कुछ फीट तक वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और मैनी माइल्स या बहुत से मील, बहुत मील दूर। सम डाई इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स, अदर्स सर्वाइव। अब कहते हैं इसी दौरान क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव कर रहे होते हैं, इसी दौरान क्या होता है, कुछ डाई भी कर जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मूव करवाता है जस्ट।
ना कि उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। अब वो जिसको के लिए वो कैरियर है वो पर्टिकुलेट मैटर भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकता है, ड्रॉपलेट भी हो सकते हैं, विच मे बी लेडन विद माइक्रोब में भी, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। फिर उसके मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है स्नीजिंग और कफिंग। जब कोई भी पेशेंट स्नीजिंग या कफिंग करता है तो उसके जर्म हवा में जाते हैं, तो हवा से फिर वो जो जर्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मूव करते हैं। ठीक है, कैसे मूव करते हैं? अगर तो वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में है तो क्या होगा, वो जो जर्म होगा वो हवा में फैल जाएंगे और ड्रॉपलेट नीचे गिर जाएगा और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मूव कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ये फ्यू फीट तक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मेनी माइल्स तक भी ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बट इस दौरान बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स है वो डाई कर जाते हैं और कुछ सरवाइव कर जाते हैं। वो जो कुछ सरवाइव करते हैं वो कितनी देर तक रहते हैं, फॉर वीक और मंथ, वो कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फेट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी फेट क्या होती है। कहते हैं द अल्टीमेट फेट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज गवर्नड बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। कहते हैं जो इनकी किस्मत होती है ना, इनका जिंदगी का दारोमदार जो होता है वो क्या होता है, अल्टीमेट इज गवर्नड बाय, उसको कमांड्स कौन दे रहा होता है या वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बाय कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, जो उसके गिर्दो नवाह होते हैं उसके सेट, कॉम्प्लेक्स सेट पे वो मुश्तमिल होता है। उसमें शामिल क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूडिंग द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसके एटमॉस्फेयर जो है, उसकी जो आबो हवा जो है, उसका जो माहौल है उसकी कंडीशन पे वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिडिटी कितनी, नमी कितनी है, सनलाइट कितनी, सूरज की रोशनी कितनी कितनी उसकी उस तक पहुंच रही है, टेम्परेचर कितना है वहां का, साइज ऑफ द पार्टिकल बेयरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उस पार्टिकल का साइज क्या है, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जिसके ऊपर फेट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, कौन कौन सी है, ह्यूमिडिटी है, नमी है, उसके बाद सनलाइट है, सनलाइट के बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बाद पार्टिकल का साइज, कौन से पार्टिकल का साइज जिसके ऊपर वो क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, ठीक है जी, कितनी किस्म की हमारे पास आ जाती है, चार किस्म की आ जाती है हमारे पास। ठीक है, वो चार किस्म हमारे पास कौन सी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है यानी कि उस हवा में पानी की मकदार कितनी है, सनलाइट सूरज की रोशनी उस तक कितनी पहुंच रही है, टेम्परेचर कितना है, और फिर वो बोला पार्टिकल का साइज जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसका साइज क्या है। उसके बाद कहते हैं नेचर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचर क्या है, वो किस नेचर क्या, किस फितरत क्या है। कहते हैं द डिग्री ऑफ ससेप्टिबिलिटी और रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी टू द न्यू फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर तो वो एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाता है, मतलब हवा है ना, ट्रांसपोर्टर है, अगर वो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो उसमें ससेप्टिबिलिटी, रेजिस्टेंस, रुकावट कितनी है, वो कितनी हद तक अगले माहौल में, अगले एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, कितनी रेजिस्टेंस है उसके अंदर, कितनी पार है, वो कितनी देर तक आगे जाके रह सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो कि फेट ऑफ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिस्कस की जाती है, इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास द माइक्रोबियल कंटेंट ऑफ एयर, माइक्रोबियल कंटेंट ऑफ एयर, एयर में पाया जाता है माइक्रोबियल कंटेंट कितने होते हैं, किस किस्म के होते हैं, क्या नेचर है उनकी। ऑल्दो अगरचे देखा जाए नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंडिजीनस टू एयर है, कहते हैं आल्दो अगरचा अगर देखा जाए तो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो इंडिजीनियस होते हैं हवा में जो पाए जाते हैं उसकी अगर हम नेचर देखें तो वो हमारे पास क्या होती है या किस किस्म की होती है, मतलब कि वो देसी है या फिर वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, डोमेस्टिक है या एंडेमिक है, होम ग्रोन है। ठीक है, होम ग्रोन हो गया या फिर इनबोर्न हो गया, मतलब कि वो एक बंदे से दूसरे बंदे में आया, स्नीजिंग वगैरह के थ्रू आया, या फिर वो ग्रो किया गया किसी मीडियम के अंदर। ठीक है, ये इंडिजिनस में देखा जाता है उसकी नेचर क्या है, वो कहाँ से आया है। ठीक है, उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, वो हवा में किस सोर्स से आया, किस जरिए से आया, उसका ओरिजिन क्या है, उसका मरकज देखा जाता है। ठीक है, इनबोर्न है, ठीक है, होम बोर्न है, ठीक है,
होम ग्रो है वो, यानी ये चीजें उसमें डिस्कस की जाते हैं इंडिजिनस में। कहते हैं द एयर इन और इमीडिएट इन्वायरमेंट एज वेल एज द सेवरल माइल्स अबव द अर्थ सरफेस है। इमीडिएट इन्वायरमेंट में देखा जाए हवा को, या फिर कुछ मील जमीन की सतह से ऊपर देखे जाए हवा, तो क्या होता है ओवर लैंड एज वेल एज ओवर वाटर, जमीन से ऊपर या पानी की सतह से ऊपर। कंटेन्स वेरियस स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लार्ज और स्मॉल नंबर। कहते हैं अगर जमीन पे हवा का रिदम देखा जाए, या फिर जमीन की सतह से ऊपर, या फिर पानी की सतह से ऊपर देखा जाए हवा का रिदम, उसमें हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी अमाउंट कितनी है, ज्यादा है या कम है, वो इंडिजीनियस है। इंडिजीनस, इंडिजीनस मतलब कि उसकी नेचर क्या है, वो कहाँ से आया है, किसी पर्सन से आया या किसी मीडियम से आया है, उसका ग्रोइंग पॉइंट क्या है, ठीक है, ये चीजें इसमें देखी जाती है। अब वो चीज हमारे पास क्या है, इनडोर एयर, जो इनडोर एयर होती है उसमें क्या होता है, कहते हैं द डिग्री ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ इनडोर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स। कहते हैं जो इनडोर एयर होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर वाली जो हवा होती है उसमें डिग्री ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, उसमें कितनी हद तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो कंटेन है पाए जाते हैं, उसके लिए कौन से फैक्टर जो है वो असर अंदाज होते हैं, ठीक है, कौन से असरात मरतब होते हैं इसमें। वेंटिलेशन रेट आ जाता है इसमें, क्राउडिंग आ जाता है, ठीक है, रश वगैरह वहां पे कितना, नेचर एंड डिग्री ऑफ एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाइंग बाय क्वार्टर्स, मतलब कि उस एरिया को अगर डिवाइड किया जाए तो इसमें इंडिविजुअली वन बाय वन देखा जाए तो उसमें एक्टिविटी कौन सी हो रही है, कितने डिग्री तक हो रही है, वो एक्टिविटी उसकी नेचर क्या है, ये सारी की सारी चीजें किस में डिस्कस की जाती है, इनडोर एयर में की जाती है, ठीक है। इनडोर एयर में हम तीन पॉइंट डिस्कस करते हैं, वेंटिलेशन रेट डिस्कस करते हैं, ठीक है, वेंटिलेशन रेट डिस्कस करते हैं। वेंटिलेशन रेट के बाद हम क्या करते हैं, उसमें क्राउडिंग देखते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन में आप देखेंगे हवादारी कितनी है, हवा की स्पीड क्या है, ठीक है, ये देखते हैं उसमें। उसके बाद क्राउडिंग देख लिया, उसके बाद नेचर एंड डिग्री ऑफ एक्टिविटी देख लिया इंडिविजुअल की, वो कितनी है या किस हद तक है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन। अब इनडोर भी देख ली, इनडोर के बाद हमने क्या देखा, इंडोर में देखा कि उसका नेचर क्या है, डिग्री क्या है, कंटेमिनेशन कितनी है, उसके बाद उसके फैक्टर्स देखे, वेंटिलेशन मतलब हवादारी कितनी है, क्राउडिंग रश कितना है, नेचर और डिग्री इंडिविजुअल एक्टिविटी किस लिहाज से है, ठीक है, ये चीजें होगी सब। इसके बाद अब जो जर्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने उसका सोर्स क्या, जरिया कौन सा ट्रांसमिशन का। कहते हैं द एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैरीड ऑन डस्ट पार्टिकल्स और इन ड्रॉपलेट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग स्नीजिंग, कफिंग और इवन टॉकिंग। कहते हैं अब उसके सोर्स बहुत सिंपल है, आम से है, हमने कभी गौर नहीं किया, ठीक है, हमें छींक वगैरह हमने कभी मुंह को नहीं डांपा, खांसी है हमने कभी मुंह को नहीं डांपा, हम बात कर रहे हो तो हमने कभी फासला नहीं रखा, ठीक है, ये वो वाली चीजें जिसके थ्रू हमारे अंदर एक दूसरे के जर्म्स जा रहे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे होते, ठीक है, वो ड्रॉपलेट भी हो सकता है, पानी का कतरा भी हो सकता है जिसमें जा रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हवा का जर्रा भी हो सकता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाते हैं, कैसे, छींकने के दौरान, खांसी करने के दौरान, या बातें करने के दौरान, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद साइज देखे तो साइज के लिहाज से पार्टिकल ऑफ डस्ट रेज्ड फ्रॉम सर्फेसिस एंड ड्रॉपलेट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक वेरी इन देयर डायमेंशन फ्रॉम माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर। कहते हैं उसका जो पार्टिकल, डस्ट का पार्टिकल जो होता है वो रेज होता है, बढ़ता है फ्रॉम सर्फेस से, सतह से, एंड ड्रॉपलेट एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो ड्रॉपलेट आता है हमारे अंदर से रेस्पिरेटरी ट्रैक से आता है, रेस्पिरेशन के दौरान ही आ रहा था ना, सांस लेने के दौरान, वो वेरी करता है इन दियर डायमेंशन, वो सिमत में वेरी करता है फ्रॉम माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर, माइक्रोमीटर से मिलीमीटर की तरफ क्या करता है, मूव करता है, चेंज होता है, वेरिएबल होता है। दोज इन द लो माइक्रोमीटर रेंज कैन रिमेन एयरबोर्न फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम। अगर तो वो उसकी रेंज कम है, लो माइक्रोमीटर है, तो वो रहेगा, रिमेन रहेगा एयरबोर्न फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के लिए। वाइल द लार्जर ड्रॉपलेट एंड डस्ट पार्टिकल, अगर तो उसका साइज बड़ा होगा, हवा से उसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है, उसका वेट ज्यादा हो गया, जाहिर सी बात है वो गिरजेगा नीचे, और वो ज्यादा देर तक नहीं
नहीं उसमें टिक पाएगा हवा में. व्हाइल द लार्ज ड्रॉपलेट्स एंड डस्ट पार्टिकल्स सेटल रैपिडली एज डस्ट ऑन वेरियस सर्फेसिस, वो किसी ना किसी सतह पे क्या होते हैं सेट होना शुरू है, सेटल होना शुरू हो जाते गिर जाते हैं. दिस डस्ट बिकम्स एयरबोर्न इंटरमिटेंटली ड्यूरिंग पीरियड्स एक्टिविटी इन द रूम. ये ज्यादातर कहाँ पे हो रही होती है, ये रूम में, रूम्स में, कमरों में, घरों में ये हो रही होती है कि वो जो हमारे पास ड्रॉपलेट वगैरह जो होते हैं ना वो क्या करते हैं वो किसी सतह पे फिक्स होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो इससे वो जिस सतह पे अब वो फिक्स होंगे उस सतह पे क्या होगा, उस सतह को अगर कोई दूसरा बंदा टच करेगा तो वो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जर्म उसको लग सकते हैं.